सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी से तोड़ डाला रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। मुंबई की जीत में राहुल चहर चमके। सूर्य कुमार यादव कितने शानदार बल्लेबाज हैं वो इस बात को लगातार साबित कर रहे हैं। आईपीएल के लीग मैच में उन्होंने केकेआर के खिलाफ अर्धशतक की पारी खेली और उनकी इसी पारी के दम पर मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 152 रन बनाए। मुंबई के लिए सूर्य कुमार के अलावा रोहित शर्मा ने ही 43 रन की पारी खेली, जबकि अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद मुंबई की तरफ से राहुल चहर ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लेकर केकेआर की जीत मुश्किल कर दी और इयान मॉर्गन की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 142 रन ही बना पाई और उन्हें 10 रन से हार मिली। सूर्य कुमार यादव ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। केकेआर के खिलाफ मुंबई के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। उन्होंने 36 गेंदों पर 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 56 रन की पारी खेली। मुंबई इंडियंस के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 7वीं बार 50 प्लस का स्कोर बनाया और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। रोहित ने मुंबई के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अब तक 6 बार 50 से ज़्यादा स्कोर बनाया था। मुंबई के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज़्यादा बार 50 से ज़्यादा का स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी अंबाती रायडू थे, जिन्होंने 8 बार ये कमाल किया था। फीके पड़ गए नीतीश राणा और आंद्रे रसेल। मुंबई के खिलाफ केकेआर के बल्लेबाज नीतीश राणा और गेंदबाज आंद्रे रसेल ने गजब का प्रदर्शन किया। मुंबई के खिलाफ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए नीतीश राणा ने अर्धशतक की पारी खेली। उन्होंने 47 गेंदों पर 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 57 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो वहीं मुंबई के खिलाफ पहली पारी में आंद्रे रसेल की गेंदबाजी बेहद घातक रही। उन्होंने सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी की और 15 रन देकर 5 विकेट चटकाए। हालांकि केकेआर को 10 रन से हार मिली। दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।